The Daily Show with Munir Memon. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पूरी कौम को एक बार दिल से की गहराइयों से मुबारकबाद के जिस अंदाज से कल पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ खेलों के मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल की और एक बड़ी जीत रकम की। कल का मैच पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एशिया कप का होने वाला ये दूसरा मैच था और ये इस बात के इम्कान को मजीद रोशन कर रहा है कि आने वाले जो इतवार का दिन होगा एक बार फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान आपस में मद्दे मुकाबल होते हुए नजर आएंगे। याद रहे कि गुज़श्ता संडे जब पाकिस्तान हिंदुस्तान एशिया कप के पहले मैच में मद्दे मुकाबल हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक टफ मैच हुआ, एक टाइट मैच हुआ, एक क्लोज मैच के बाद हिंदुस्तान आखिरी में जीतता हुआ नजर आया। लेकिन कल सूरत हाल बरक्स इसके नजर आई। कल पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड चेज की हिंदुस्तान के खिलाफ और 182 रन का जो हदफ था उसको कहा जाए ज्यादा मुश्किल के साथ ना सही लेकिन ज्यादा हद तक बासानी तौर पे अचीव किया। ये हदफ अचीव करने में कलीदी किरदार पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का रहा, जिसमें पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने यकीनी तौर पर एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली और जहरियाना अंदाज में 71 रन बनाए जो कि महज 51 बॉलों में थे। इसके साथ साथ मोहम्मद नवाज को कल प्रमोट किया गया जिसमें 42 रन बनाए महज 20 गेंदों पर। आखिरी में जो आके खुशदिल शाह और आसिफ अली ने जिस अंदाज से एक छोटी छोटी इनिंग्स खेली लेकिन कारामद इनिंग्स थी। कल की जीत से पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने कद को बहाल किया और पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ खदशा थे कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम में प्लेइंग 11 क्या होगी, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस हवाले से यकीन तौर पे अब काफी सारी जो सूरत हाल है काबू में होती हुई नजर आ रही है। आज हमारे प्रोग्राम में इस हवाले से पहले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर सईद साहब, सीनियर साहब एनालिस्ट हैं, जरा इनसे जानते हैं जो सूरत हाल कल हुई इससे कौम को इस सैलाब के माहौल में, इस दुख के गम के माहौल में क्या रिलीफ मिला। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, बिल आखिर कौम डिप्रेस थी, परेशान थी, अफसरदा थी जो कुछ पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल के बाद 22 नजर आ रहा था, अब कल एक रिलीफ मिलता हुआ नजर। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि दो कौम उसका टीमों का मैच हो रहा है लेकिन एक आसाबी जंग थी दो कौमों के दरमियान और वो इतना उसमें फंस गया था मैच कि वो ये समझते थे कि पहले जब उन्होंने 50 बनाए, उन्होंने 3-4 ओवर में ही जो है वो इस स्मैश करके उड़ा के रख दिया। ऐसा लगता था कि कोई बम्बार्टमेंट कर दी, उन्होंने बड़े परेशान हो गए। ये भी एक आसाबी तनाव आया। उसके बाद ये देखा कि उन ये शायद भूल गए थे वो कि हमारे पास बैटिंग लाइन बॉलिंग लाइन काफ़ी पीछे तक है और जब वो जो बैटिंग और जो बॉलिंग ने काम दिखाया और जो है रन रेट गिरा और उसका जो उनका प्रोजेक्टेड रेट था वो कम होके 172 और 182 के दरमियान रहा। अब ये जब प्रोजेक्टेड रेट नीचे आया तो इसका मतलब है कि उन्होंने दो हिस्सों में गेम किया। पहले जो है 10 ओवर में तो उन्होंने बड़ी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की लेकिन दूसरे 10 ओवर में जो है बहुत पुअर क्वालिटी उन्होंने रखी और उसके नतीजे में यह। अब खुशी ये थी कि हम तो एक तो लूज़ कर चुके थे, एक तो मैच हमारा लूज़ था, हम तो ये समझ रहे थे कि अगर ये भी लूज़ कर दिया तो एथेंटिकेटेड स्टैम्प्ड हो जाएगा कि हम जो है हारे हुए, रिपीटेडली हम हार गए। लेकिन अब उम्मीद की किरण आप ये देखें कि हमने रुक के खेला, हमारे मोहम्मद नवाज ने जो है एक अजीब सा जो है करिश्मा साजी ये दिखाई है कि उसने जो है 42 रन 20 ओवर्स में भी किए, कैचेस भी 3 लिए और विकेट भी 1 ली। जब ऐसी अभी एक तो बदल के रख दिया ना तो आप ये देखें इतने तनाव में था कि लोगों के तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहे थे। यकीनी तौर पे बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैच भी था लेकिन कल देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम में उन किरदारों ने एक शाइन किया जिससे शायद एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मोहम्मद नवाज को किसी ने इस तरीके से रेट नहीं किया था कि वो बैटिंग में जल्दी आके इस तरीके की हिटिंग करेंगे, क्लीन हिटिंग नजर आई। हिंदुस्तान भी मेंटली तौर पे तैयार नहीं था, प्लानिंग भी शायद उस एतबार से नजर नहीं है क्योंकि वो लेफ्ट आर्म लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उनके खिलाफ दो लेग स्पिनर्स को खिला दिया गया तो एक प्लानिंग का फुकदान देखा आप हिंदुस्तान की जानिब से। एक एक चीज है कि जो नयापन होता है ना, नयापन तो वो नयापन अगर नया बॉलर ले आते हैं वो कच्चा भी होता है, वो एक्सपीरियंस भी नहीं होता लेकिन वो रिजल्ट इसलिए देता है कि उसके आदि नहीं होते, उसके प्रैक्टिस पर नहीं होते वो। तो अब ये मोहम्मद नवाज को जो वो आगे लाया ना तो उसके लिए उस नंबर के लिए तैयार नहीं थे कि वो इतनी हिट बैटिंग करेगा। अब जब नई चीज़ आई तो वो तैयार नहीं थे, लूज उन्होंने किया और मोहम्मद नवाज ने रिकॉर्ड किया हैरत अंगेज, ये रिकॉर्ड था, मैन ऑफ द मैच था वो, रिकॉर्ड था, मैन ऑफ द मैच था। और जहांगीर साहब कल बहुत बात की गई मोहम्मद रिजवान की फिटनेस के हवाले से, पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद इस तरह का कोई विकेट कीपर बैट्समैन नजर आ रहा है
जो एग्रेसिव इंटेंट के साथ मैदान में नजर आता है। दर्द था, तकलीफ थी, दर्द से कराह रहे थे, फिटनेस मसाइल भी थे, लेकिन जब वो बैटिंग करने उतरे एक लम्हे के लिए भी इस तरह का एहसास नहीं हुआ कि शायद वो किसी भी तौर पे फिट नहीं है, किसी तकलीफ में। सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करते रहे, लंबी इनिंग्स खेली, डीप तक लेके गए मैच को। क्या मतलब इस जज्बे को क्या नाम देंगे आप? देखिए, मसल्स का तो मसला है कि दुबई में खास तौर पर ये सूरत हाल है कि वो जो एटमॉस्फेयर है उससे 40 डिग्री का टेम्परेचर इस वक्त, हाँ 40 डिग्री में तो मसल्स तो वो जो है वो क्रैम्प हो सकते हैं, लेकिन आप ही देखो उसके आसाब कितने मजबूत थे। आप आसाब की जंग थी ना, हर प्लेयर को आसाब का सामना था। उसने क्या किया, अपना स्लोली ग्रेजुअली आखिरी तक पहुंचाया और 71 का स्कोर दिया और हैरत अंगेज तौर पर उसने बैटिंग को खड़ा कर दिया, स्टैंड दे दिया, और इसकी वजह से आज जो है वो इस काबिल है। वो अगर आप कहेंगे कि मोहम्मद आजम वो जो हमारा कप्तान जो है वो फेल हो गया, बाबर आजम फेल हो गया, फेल नहीं हुआ, होता है ये कि एक जैसी सूरत हाल होती है। आप ये नहीं कह सकते कि वो परफॉर्मेंस जो उसका टाइम बड़ा टाइम जा रहा है और वो लूज़ कर गया अपनी बैटिंग का, ये नहीं है। हैरत अंगेज तौर पर भी वो परफॉर्म कर सकता है और मैच विनिंग कप्तान है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो इंडिया के कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुका है, इंटरनेशनली रिकॉर्ड ब्रेकर है। और जहांगीर साहब, कहीं ना कहीं बाबर आजम का और फखर जमान का पाकिस्तान की बैटिंग में टॉप ऑर्डर में ना चलना इस बात का इशारा दे रहा है कि पाकिस्तान में के पास बैटिंग में इस तरीके की डेप्थ है कि कोई एक या दो प्लेयर्स जाएं और पूरा मैच एक तरफा कर दें। और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो दो मैचेस हैं उसमें बाबर आजम और फखर जमान के पास भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो आए और अपनी फॉर्म को बहाल करें, और अगर ये हो जाता है तो फिर गालबन फाइनल के लिए पाकिस्तान ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम यूनिट नजर आएगा। देखिए, जब शुरू शुरू में नाकामियां होती हैं तो उसका एक फायदा ये होता है कि आदमी कुछ सीखता है, हौसला पकड़ता है और कुछ ऐसा प्लानिंग करता है कि वो जो है वो चीज़ें से जो उसको क्योस आ गया था, जो उसका पॉकेट आ गया था और उससे वो निकल सके जी। तो एक मौका था कि वो जो जो पहले पहले के जो मैचेस हुए हैं उसके अंदर तो वो ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। अभी उसका हौसला भी है, उसके पास टारगेट भी है और उसका तजर्बा भी ये है कि मैं किन गलतियों से जो है वो मैं आउट हुआ हूँ। तो एक नई उम्मीद, एक नए यकीन के साथ कौम को भी उसको देखना चाहिए और उसको भी काम लेना चाहिए, कौम को भी देखना चाहिए। और यकीन तौर पे तमाम तर पाकिस्तान में जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो भी पाकिस्तानी जहां भी मुल्क के दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, कल की इस जीत के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और ये खुशी के जो मनाजिर हैं पूरी दुनिया में देखे गए। हर किसी ने अपने अपने अंदाज में इस खुशी का जश्न मनाया, लेकिन हिंदुस्तान की बात की जाए तो जहां पे हम देख रहे थे कि चैम्पियंस ट्रॉफी के मैच के बाद हिंदुस्तान के जो हौसले थे वो पस्त हुए और वो जो एक मौका की जो स्ट्रीक थी, जो एक काइंड ऑफ तकब्बुर जैसा भी नज़र आता था, उसमें भी काफी हद तक मेलो डाउन हुए थे। लेकिन कल के मैच से पहले जो पहला मैच खेला गया एशिया कप का, उस मैच के जीतने के बाद हिंदुस्तान में फिर से इस तरह की आवाजें उठने लगी उनके टेलीविजन चैनल्स पे, उनके तजिया कारों की जानिब से कि हम उखाड़ के रख देंगे, हम फेंटा लगा देंगे, हम फला कर देंगे, इस तरह की लैंग्वेज। जहांगीर साहब, क्रिकेट में सर ये क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें। बड़े अच्छा आपने जो है वो इशारा किया कि ये जो तकब्बुर था, एरोगेंस था उनका और उसमें उनको नो डाउट इंडिया इज अ ग्रेट टीम, उनको ये यकीन था कि मोहम्मद नवाज भी आ गया, आसिफ ने भी बैटिंग कर ली तो वो उसको ही फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो है वो उसको दोबारा जो है रिस्टोर कर लेंगे अपनी पोजीशन को। लेकिन एक शेर याद आता है, समझे, अंदर से चटकता है जब पत्थर का आदमी, गिरता है अपने आप पे दीवार की तरह। अब वो जो पत्थर बने हुए उनके एहसास से वो समझ रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। देखें, ये जो फ्लक्चुएशन आता है और ये गेम की तो खूबी है ये कि नीचे ऊपर इतना होता है कि आपको हर वक्त नज़र रखनी चाहिए। अगर आप जीत का यकीन कर लें तो हार यकीनी हो जाती है, हार का यकीन कर लें तो हार यकीनी हो जाती है। ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और एक शेर मैं भी कहता चलूं पाकिस्तानी साइंस के हवाले से, जिसके हवाले से मशहूर भी है, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये तो हमारे शाहीन बहाना नहीं है, इनको तो अंदाज तो भी आदत है, आदत भी है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैदान में हो और ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे ना हो रहे हो, यकीनी तौर पे ये मुमकिन है। लेकिन जहांगीर साहब, एक इस सेगमेंट में जब गुफ्तगू हो रही है, लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का
फाइनल होना चाहिए। लेकिन अब मसला यह है कि पाकिस्तान को दो मैचेस खेलने हैं, और अगर पाकिस्तान दो में से, वैसे तो दो ही जीतना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक भी जीत जाता है तो कभी इम्कान मौजूद है कि शायद पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन दूसरी जानब हिंदुस्तान को अभी दो और ऑपोजिशन के साथ मुकाबला करना है, श्रीलंका और अफगानिस्तान, और दोनों मैचेस जीतना जरूरी है, दोनों मस्ट विन मैचेस हैं, और अगर कहीं कोई चूक हुई तो हिंदुस्तान फाइनल की जो दौड़ है उससे बाहर हो जाएगा। और आप भी जानते हैं हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान अगला मैच श्रीलंका से या अफगानिस्तान से हार जाता है तो फिर वहां पे क्या तासुरात होंगे, फैंस के क्या रिएक्शन होंगे, इंडियन मीडिया किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो एक मुश्किल होगा हिंदुस्तान के लिए, प्रेशर ऐड हो चुका है इस वक्त हिंदुस्तान के लिए। यार सबसे अहम बात ये है कि हमें तो मजा आ गया फाइनल का, हमें तो आ गया, हाँ हम जीत गए, हमारे लिए एक्स्ट्रा होगा, जितने भी हम इंजॉय कर सकेंगे ना वो अलग है। सही। फाइनल का इतना टफ मैच था, आखिरी गेंद तक एक गेंद बची वरना हम लूज कर जाते, बिल्कुल सही। लेकिन हम कामयाब हुए और हमें खुशी नहीं होगी, हमें खुशी है, बहुत खुशी है, और जिसके कहते हैं ना कि वक्त से पहले ही मजा आ गया उसकी वाली बात हो गई। अब आपने कहा कि अगर वो लूज होता है हमारे पास जो है हम दो में से एक लूज कर सकते हैं, और वो एक लूज कर सकता है तो सुपर एक भी लूज हुआ तो हो गया, अब सुपर फोर में तो वो आ गया, चांसेस खत्म हो जाएंगे, फाइनल में नहीं जा सकता, ठीक है ना, उसके चांसेस कम है। लेकिन हमें वही करना है कि जो वो गलती जो है इंडिया ने की है कि उसकी एरोगेंस, उसकी जो बहुत अपने आप को सुपर फोर से भी आगे चीज समझ रहे थे वो नहीं होना चाहिए, उनको आंखें खुली रहनी चाहिए। बड़े मैथमेटिकली उन्होंने एक काम अच्छा किया था हमारी कोम, कि हमने प्लानिंग बैटिंग की बहुत अच्छी की थी कि अगर ये कोलैप्स होता है तो ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा, इससे मैथमेटिकली जो प्रेशर्स रिड्यूस, हाँ, रिड्यूस किया, जिम्मेदारी भी एक तरीके से बढ़ जाती है, एक तरह उन लोगों ने पहले से तय कर लिया था कि अगर ये होगा तो जो है मैं बैटिंग करूँगा, मैं हिटिंग करूँगा, मैं रोकूँगा, सब तय था, इसी तरह प्लानिंग के साथ करें। लेकिन हमें वो, उनको गुमान ये था कि ये तो बैटिंग में कमज़ोर होंगे, बैटिंग में कमज़ोर हैं, बॉलिंग में अच्छे हैं, तो उन्होंने जो शुरू से क्लैप्स वो एक हमला सा कर दिया कि बैटिंग इन पर चढ़ा दो। लेकिन हुआ क्या, वही हुआ जो मंजूर खुदा, ये हुआ कि आज हम खुश हैं और हम खुश हैं, और अल्लाह पाक पाकिस्तानियों की खुशियाँ इसी तरीके से बरकरार रखे, और यकीन तौर पर इस मौके पर उन लोगों को बिल्कुल भी भूला नहीं जा सकता, फरामोश नहीं किया जा सकता जो इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों के बायस इस वक्त काफ़ी सारी मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, पाकिस्तानी कौम के दिल जीते, और अब ज़रूरत इस बात की है कि आने वाले जितने भी मुकाबले हैं उनमें पाकिस्तान की टीम को अच्छा खेल देना होगा, अच्छा खेल प्रेजेंट करके जीत अपने नाम करनी होगी, और एशियन टाइगर्स का जो टाइटल है पाकिस्तान को अपने नाम करना होगा। दो मैचेस पाकिस्तान को इस पूल राउंड में मजीद खेलने होंगे, जो कि एक श्रीलंका से है और अफगानिस्तान से। याद रहे कि दोनों टीम्स बहुत ही जबरदस्त नजर आ रही हैं, लेकिन साथ साथ इन दोनों टीम्स के बाद जो फाइनल होगा वो किसके साथ होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ सियासी मौजूदात हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जहां पे यकीन तौर पे सैलाब है, एशिया कप भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तमाम सूरत हाल के दरमियान एक चीज इस वक्त दबी हुई नजर आती है, शायद पसे पर्दा जा चुकी है, आवाम की नजरें इस वक्त उस तरीके से इस इवेंट पर नजर नहीं आती, वो है पाकिस्तान की सियासत। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से मीडिया हाउसेस के खुलने और बंद होने के सूरत हाल है, बहुत से एंकर्स के मंजर आम से गायब हो जाने के मामले आते हैं, तो फिर बहुत से सियासी नारे नजर आ रहे हैं। इस वक्त खान साहब भी अपनी जलसों की जो मुहिम है उसमें जारी हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किल का बाइस बन रही है, तो ये गलत ना होगा। दूसरी जानब मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं और जो महंगाई के हवाले से जो इकदाम हैं जो कि कहीं नजर ही नहीं आ रहे, ये भी हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा सवाल क्रिएट करेंगे। जहांगीर साहब,
सवाल जी जी, तहरीके इंसाफ की मकबूलियत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और कहीं ना कहीं अब इस तरह का गुमान हो रहा है कि शायद तहरीके इंसाफ खुद भी चाहती है कि इलेक्शंस जितने डिले होंगे उन्हें तैयारी का उतना मौका मिलेगा, उन्हें उतने ज्यादा इलाकों में पेनिट्रेट करने का मौका मिलेगा। सर ये थ्योरी किस हद तक सही है? ये जो थ्योरी आप उसको कह रहे हैं ये साजिशी थ्योरी के तौर पर भी कही जा रही बिल्कुल। है बिल्कुल मुखालिफ ये कहते हैं कि साजिशी थ्योरी और ये फैलाया जा रहा है कि इनको जो है कहीं ना कहीं फिर सपोर्ट मिल गई है, ऊपर कहीं बैसाखी मिल गई है, फिर इनसे कोई वादा कर लिया गया है कि हम आपको इलेक्शन करा के देंगे और वो जनवरी तक आप जो है इंतज़ार कर लें, सैलाब का ज़माना है, सैलाब से तो ऐसी सूरत हाल कर नहीं सकते। लेकिन ये कि आप प्रेशर रखने के लिए तहरीक इंसाफ इमरान खान बहुत जो है अभी भी चौबे छक्के लगाने की सियासत कर रहे हैं। आप अगर ऐसा देखते हैं तो देखना ये होगा कि ये हकीकत है, ज़िमनी इलेक्शन के बारे में कहते हैं कि भाई सैलाब आ गया है तो इसलिए ज़िमनी इंतखाबात तो मुलतवी हो सकते हैं लेकिन सालाना इंतखाबात तो अभी हो जाने चाहिए। जब ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते तो सालाना इंतखाब कैसे होते हैं? अब इनको एक और अंदर से इनको सबक मिला है कुछ कि ऐसी अगर हालत है, अगर ये जो है नई हुकूमत आ गई है सारा मलबा इस पर कर गया और इसकी नाकामी की वजह से ये जो है नामुराद नज़र आ रही है, इसकी कामयाबी जो है महदूद हो गई है, अगर ये आ जाते हैं कहीं ना कहीं इलेक्शन की तरफ आ जाते हैं तो ये सारा मलबा तो इन्हीं को उठाना है ना, वो नहीं उठा पाएंगे, पहले भी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आप सही कह रहे हैं कि ये खुद भी चाहते हैं कि थोड़ा सा वक्त मिले और ये जो है ये महंगाई का जो तूफ़ान आया, सैलाब के जो असरात हैं ये मुरतब हों और जो है और इसकी सज़ा वो काटें और ये जो है अपोजिशन की सियासत करें, अपना जो है नंबर बनाएं, जोश व जज्बा रखें और ये इलेक्शन में ज़्यादा बेहतर और मजबूत हो। लेकिन जागीर साहब अब इलेक्शंस का ना होना अवाम मुश्किलात में इस पर कोई दो राय नहीं और एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल के बाद जो गांव देहात के इलाके हैं जहां पे हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी या नून लीग का जो होल्ड है कदरे मुस्तहकम है, मजबूत होता है, पुरानी जमातें डीप रूटेड हैं, अब वहां भी एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, एक खला मौजूद है जो तहरीके इंसाफ पुर कर सकती है या करना चाहेगी। ये अगर खला पुर होता है तहरीके इंसाफ की जानिब से कितना ज़्यादा डेंट पड़ेगा इन जमातों को? देखिए ये तो डेंटेड है, समझे आप, ये पेंटेड होके जो है अपना काम कर रही है कि नया कलर कर लिया, नए जवाज़ पैदा कर लिए, ये तो डेंटेड है, डेंट तो इनको लग चुका है जब ये इन्होंने ये सवार किया था, ऐसे वक्त में चार्ज लिया है इन्होंने जब तो तबाही के दाने पे अगर ये कहते हैं तो इन्होंने, चाहे अभी नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि मैंने तो मना कर दिया तो ये इख्तदार न लें, इलेक्शन करवाएं, ये इन्होंने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब का कहना खुद इस बात को एक्सपोज नहीं करता कि क्या नवाज शरीफ साहब की पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही? देखिए ज़रा गौर से सियासत समझे ना, ये जो सिया जो है ना ये सात दफ़ा हो तो सियासत बनती है। अच्छा ठीक है ना, अब आप ये देखें कि ये अधूरा कुश्ती भी होती है। देखिए अभी सारा जो है इसको हमारे वजीर ख़जाना को मिफ्ता इस्माइल को डांट भी रहे हैं और चार्ज भी नहीं ले रहे, भाई तुम आके चार्ज ले लो ना। अब ये IMF का जो है इनके पास आ गया, अब ट्रेंच भी आ गई, सारा आ गया, दो किस्तें भी आ गई हैं, सारी चीज़ें हो, अब ये ले सकते हैं। लेकिन ये अपना राह बना रहे हैं कि हम तो मुखालिफ थे, हम तो इस चीज़ के मुखालिफ थे, इसने तो गलती की मिफ्ता के, मिफ्ता को कौन सा इलेक्टेड आदमी है, उसको क्या नुकसान होगा, कहाँ लूज़र हो रहा है वो, है ना, कौन सा कौन सा उसका जो है वो इलेक्शन का कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, जब नहीं बनती है तो इसको ये तो ये जो इसको तो बकरी कुर्बानी की बकरा भी नहीं बना सकते, इसको क्या लगे, उसको खड़ा कर देंगे अलग और वो आ जाएंगे, उसके बाद नवाज शरीफ आ जाएंगे और ये नहीं, ये फंस गए, क्योस कहते हैं इसको, इंतशार कहते हैं, दलदल कहते हैं, इसमें फंसना आप जितने ट्राई करेंगे उतने डूबते चल जाओगे, फंसते चल जाओगे। लेकिन अगर ये फंस रहे हैं सर, जांगी साहब एक बात बताए ना, फंस रहे हैं लेकिन इक्तदार के मजे तो फिर भी आ रहे हैं ना, इक्तदार तो नशा है यार, और जो एक नशच्ची को देखो, शराबी को देखो, वो उसको तबाही नहीं होती है ना, वो घर भी तबाह हो रहा है, वो भी तबाह हो रहा है, सेहत भी तबाह हो रही है, आगे का काम भी तबाह हो रहा है, उसको नजर आ रहा है इख्तदार से बड़ा नशा कोई है, ये क्या उनको भी है,
नशा तो तहरीक इंसाफ के इमरान खान को नशा ये नहीं है, सबको है। इससे भी ज्यादा लगता है इनको का नशा है, ये कहा कि कर दिए शहबाज शरीफ को, वो 11 कहां है भाई, बोलते ही नहीं है। वो तो कहते हैं इलेक्शन में हम क्यों खराब हो भाई, हम क्यों नारे लगाए। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब को आगे किया गया, उनको खुद भी आगे आना था काफी अरसे से, वो भी मुंतजर थे आगे आने के। आप मुनाफिकत देखें, आप इलेक्शन हुए, अभी जो ना जिमनी इंतखाब हुए, पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये एमक्यूएम की सीट है क्योंकि दूसरे नंबर पे आने वाला कानूनी तौर पर हमने तय किया था कि उसको जो है हम टिकट दे देंगे, फौरन टिकट दे दिया, ऐसा दे दिया कि उनको मालूम था क्या होगा इसके साथ। लेकिन कैंडिडेट अपना पहले खड़ा किया था जंगल साहब। अच्छा नहीं, कैंडिडेट खड़ा तो वो तो सेकंड थर्ड ऐसा रखते हैं, लेकिन मसला ये है कि उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद अरे भाई हिमायत भी तो चाहिए, आप जो है इत्तेहाद हो, आप जब आपने सीट ही दे दी उसको तो आप उसके लिए खड़े तो होते हैं, आप तमाशा देखते हो, कुछ लोग तमाशा देखने के लिए बने होते हैं ना सर, कि देखते रहो लड़ते रहो कुछ करते रहो बस जो है। ये तमाशे वाली बात आपने किसके लिए कही है? नहीं वो मैं जिसके लिए की है मैं उसके लिए नहीं कह रहा इस वक्त, मैं जिसके लिए कह रहा हूँ उसके लिए भी नहीं कह रहा इस वक्त, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। आप जनरल जनरल में बहुत कुछ कह गए सर जांगीर साहब आज जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जांगीर साहब, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर दी है, दिल तो नहीं कर रहा आगे बढ़ने का, लेकिन सवाल फिर भी यही है, इस तमाशे में क्या पीपल्स पार्टी को कुछ हासिल हो? पीपल्स तमाशा देखने वालों को कुछ हासिल हो रहा है तो फिर कोई तमाशा होता रहे। पीपल्स पार्टी के पास तो एक और जवाब आ गया कि सिंध जो है वो मर रहा है। अभी ये लोग कहते हैं गरीबों से कहते हैं कि ये चंदा दे दो, इसकी दो दिन की तनख्वाह काट दो, इनके पास कोई फंड नहीं है, इनके पास जायदादें नहीं है, कुछ एक चीज ही बेच देते, इतने सारे सर गरीब है सर, इलेक्शन अभी हो जाए 50-50 करोड़ सारे तोहफों की गाड़ी में घूमते हैं सर, आप कैसी बात। अब आप ये सारी चीजें तोहफों की गाड़ी में देते हैं तो कौम को भी तो कोई तोहफा दे दे, मर रही है कौम यार, कैसी बात है। ये सारी बेवकूफी है, ये मालूम है क्यों डरते हैं? अगर ये 2-4 लाख दे देना वो कहेंगे यार ये लोग समझेंगे हम अमीर हैं और हमें तो टैक्स देना चाहिए। 50 रुपए एक साहब ने पीपल्स पार्टी के वजीर उनकी बहन के मियाँ ने 50 रुपए बांट के तालियां भी बजवा ली, और इतनी गुलाम कौम है कि 50 में भी ताली बजाने मजबूर है, लेकिन ये महकूम कौम है। लेकिन जांगीर साहब उस वीडियो ने कहीं ना कहीं इस बात की तरफ बहुत से मामलात और राज नहीं खोल दिए कि हमारे मुल्क में जो कौमों की जहन साजी वो किस तरीके से की गई है, कितने अरसे से ये जो सूरत हाल है वो ऐसे चलती रही, और ये जहन साजी आज की नहीं है, सालों से एक एक, एक सालों की कोशिश के बाद ये अंजाम पे पहुंचे हम। सर जी अब देखें, जमहूरियत को ट्रैक से हटाया गया था और कायद आजम जो है जमहूरियत की बुनियाद पर आए थे, जमहूरियत लेके आया उसको ट्रैक से हटाया गया, और फिर जो है जो ताकत वाले हैं वो ताकत वालों से जो ज़मीन और जायदाद वाले थे उनसे मिलके इस पर हुकूमत कर रहे हैं ज़मीन पे हमारी धरती पे, और ग़ुलाम पैदा करके रखे हैं, ये हाथ बांध के खड़े होते हैं रोटी के लिए, वो कहते हैं कि अगर मैं हम इससे नहीं मांगे तो हम कहाँ जाएंगे, कोई तो हमारा पुरसान हाल ही है। लेकिन जानी साहब आपने सैलाब का तस्करा किया, मुझे ज़रा समझाएं इस सैलाब से यकीन तौर पर सियासत है, सियासत में नफ़ा भी है नुकसान भी है, इस सियासत ने क्या कुछ एक्सपोज करके रख दिया इस सैलाबी सूरत हाल में, क्या कुछ सियासत के मैदान में एक्सपोज हुआ? बड़ी दिलचस्प है बात, सियासत के मैदान में ये एक्सपोज हुआ कि अगर अपनी ज़मीन कहीं है और सैलाब की जद में आ सकती है तो उसको दूसरी तरफ से तोड़ दो, अब उसको तबाही गांव की तरफ कर दो, देहातों की तरफ कर दो, अपनी ज़मीन बचा लो, ये एक्सपोज हो गया। ये है सियासी लोग, यहाँ की बात नहीं कर रहा, सिंध की बात नहीं कर, पूरे जो तीनों सूबों में यही हो रहा है, समय हर जात जहाँ हो रहा है वहीं यही तमाशा हो रहा है। बट इंटरेस्टिंग बात की है कि जहाँ हो रहा है यही तमाशा हो रहा है, और ये बात यकीनी है कि जब भी सैलाब आता है तो बहुत से ऐसे मकाम हैं जहाँ पे पानी डाइवर्ट हो रहा होता है, या वो जो ज़मीनें हैं जहाँ पे एक बड़ा कहा जाता है कि उन ज़मीनों पे पानी आने के चांसेस कम है, वो ज़मीनें आमतौर पे दूसरे लोगों को इतनी आसानी से मुहैया नहीं होती। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद जब आएंगे एक सवाल छोड़े जाते हैं ब्रेक पे जाने से पहले, कि ये जो आर्मी चीफ की तकरीरी है इस मामले पे खान साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया, और ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। अब दरअसल मर्जी का आर्मी चीफ लाने की क्या कंडीशंस होती हैं, क्या सूरत हाल होती है, और अगर माजी में ये होता रहा तो फिर क्यों जो गुज़श्ता हुकूमतें हैं
वो इस तरीके के मामलात और मसाइल से दो चार रहीं कि कभी 12 अक्टूबर हुआ तो कभी दूसरे मामलात हुए, कभी एक हुकूमत तो कभी दूसरी हुकूमत को अपने तख्ते से रुख्सत होना पड़ा। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ की तकरीरी, ये एक पाकिस्तान में ऐसा मौजू है जो कि इस वक्त हर खास आम के लबों पे नजर आता है। आर्मी चीफ पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स होता है जो कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को लीड करता है जो कि पाकिस्तान का बिलाशुबा एक ताकतवर तरीन इंस्टीट्यूशन है। पाकिस्तान में आर्मी का जो किरदार है वो बहुत ही अहम है, बहुत ही कलीदी है, और तमाम तर पाकिस्तान में जो फैसले हैं उसमें आर्मी का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है उसमें पाकिस्तान आर्मी डिफेंस इन तरह के मामलों को किसी भी तौर पे इग्नोर नहीं कर सकता। और यही वजह है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे मौजूद है, और ऐसे जगह पे होने की वजह से पाकिस्तान में काफ़ी सारे फैसले डिफेंस स्ट्रैटेजी को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। इसमें आर्मी चीफ की तकरीरी एक बड़ा अहम होता है, क्योंकि जब फेस चेंज होता है तो ना सिर्फ फेस चेंज होता है बल्कि ओवरऑल पॉलिसी की चेंज नजर आती है। पाकिस्तान में हमने देखा कि गुज़श्ता अदवार में जो 3 आर्मी चीफ रहे उनमें बहुत एक डिफरेंस नजर आया। अगर मैं राहिल शरीफ साहब की बात करूं तो एक एग्रेसिव सोल्जर के तौर पे उन्होंने काम किया, उन्होंने जिस अंदाज से लीड किया, जिस अंदाज से काम किया, वो यकीन तौर पे एक मिसाल थी। फिर कमर जावेद बाजवा साहब एक बड़ा ज़बरदस्त दौर रहा, आखिरी में आगे यहाँ पे कुछ मसाइल ज़रूर हुए लेकिन उनका किरदार बड़ा ज़बरदस्त रहा, उनकी पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन ज़बरदस्त रहीं, और आज भी पाकिस्तान को इकोनॉमिक फ्रंट पे जो कुछ चैलेंज हैं उसमें कमर जावेद बाजवा साहब का जो किरदार है वो बड़ा ही ज़बरदस्त नज़र आता है। आने वाला आर्मी चीफ कौन होगा ये बड़ा सवाल है, और उसका मिजाज कैसा होगा, उसका माइंडसेट कैसा होगा, और वो आर्मी चीफ क्या किसी को फेवर कर सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। जहांगीर साहब, हमारी सियासत में आर्मी चीफ की तकरीरी ये बड़ा अहम मसला होता है, और ये इतना अहम हो जाता है कि कभी कभार तारीख से 6 महीने पहले से इसके ऊपर गुफ्तगू होना शुरू हो जाती है, बहस होना शुरू हो जाती है। और अब खान साहब ने ये जो स्टेटमेंट दिया कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं हमेशा से, सर ये अपना आर्मी चीफ क्या होता है? आर्मी चीफ तो मुल्क का होता है। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल मामलात मुख्तलिफ है, कि अब ये है कि एक प्रोपेगेंडे के तौर पर आप प्रोपेगेंडा करते रहे हैं कि वो अपनी पसंद का लाना चाहते हैं, अपनी पसंद का लाना चाहते हैं, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ह तौर पे कह दिया है कि वो आपकी एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और ISPR ने भी ये कह दिया है कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये चीज तय हो चुकी है कि अब ये नहीं, क्लैरिटी आ गई है, बड़ी जरूरी थी, आ गई ना, बिल्कुल विविड पिक्चर नजर आ गई है कि ये अब वो थोड़ी कि वो यू टर्न ले ले भाई, उसमें एक डिसिप्लिन होता है। अब ये चाह रहे हैं कि वो अब जो आएगा वो तो आएगा ना, वो नया ही आएगा ना, अगर वो इधर टिल्ट करता है तो बहुत अच्छा है, अगर वो जो इधर होता है या बीच में भी होता है तो वो उनको बुरा लगेगा, इसका क्या हाल है? लेकिन जहांगीर साहब, हमारी सियासत में अगर आर्मी न्यूट्रल भी है तो भी हमारे सियासतदान तो कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते उनको पॉलिटिकल मामलात में घसीटने की। हमारे सियासतदान तो अक्सर ऐसा करते हैं कि जनाब इनको तो किसी बैसाखी की जरूरत ही नहीं है, और चीख चीख के कह रहे होते हैं हमारी पसंद का। अभी उनकी पसंद का बात है तो आप अपनी पसंद भी कुछ रखते होंगे, वो क्यों नहीं बात कर रहे, कह रहे हैं उनकी पसंद लेकिन, का लेकिन अगर, तो अगर, आप भी तो कुछ चाह रहे होंगे ना। अगर मैं पसंद की बात, आप ये बता दें, ये जो बिल्कुल बात ये कर रहे हैं मफरूजे के तौर पे, उनकी पसंद का उसका क्या मैं आ रहा है, और आपकी पसंद का क्या है, वो क्यों नहीं आप मानेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे अगर आप फैसले आपके खिलाफ हुए या आपको अच्छे नहीं लगे तो आपने उसको भी आप क्या कर रहे हो? सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मुझे एक बात समझाए ना। कमर जावेद बाजवा साहब की जो तैनाती तकरीरी हुई मुस्लिम लीग नून के दौर में होती है, इससे पहले जो वो
जो मुस्लिम नून के दौर में होती है, लेकिन मुस्लिम नून के साथ मुश्किलात भी होती हैं। तो अगर अपनी मनपसंद होते तो शायद सूरत हाल ऐसी ना होती। मनपसंद रखने का तो हमारी सियासत में मयार यही होता ना कि कोई हमें ना छेड़े, कोई हमें ना नुकसान पहुंचा दे। इस्टेब्लिशमेंट का अपना वो होता है, डिसिप्लिन होता है, वो तरीक़ेकार होते हैं। अगर इस तरह की जिद और बहस में पड़ जाए, स्प्लिट आ जाए, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार काफ़ी वसी होता है। वो होता है, लेकिन उनके अपने की भी डिसिप्लिन है ना। वो स्प्लिट कर दें क्या, अबे फौज स्प्लिट हो जाए क्या, पोलराइज्ड हो जाए क्या, पोल टू पोल हो जाए, एक पोल पे खड़े दूसरे पोल पे खड़े। भाई मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो अपने अंदर का अमन कायम रखना चाहते हैं। आप उसकी उसकी जो है मिला के ताकत, उनकी जो है मुफाद ही इसमें है कि अमन कायम हो, अंदर का इस्तेकाम हो, जुड़ाव हो, तंतशार ना हो। और लेकिन जाकिर साहब, अगर ये सवाल पूछूँ कि हमारे यहाँ जो सियासत में इस वक्त जितना इस बार शोर मचाया जा रहा है आर्मी चीफ की के अहदे के हवाले से, जो भी नया आर्मी चीफ होगा वो वैसे तो यकीन तौर पे हमारे जो सोल्जर्स हैं वेल ट्रेंड हैं, वेल डेकोरेटेड हैं, और ये तमाम तर सूरत हाल को टैकल करना भी जानते हैं, लेकिन सियासी कुवतों की जानिब से पहले से इतना प्रेशर डाल देना कि जो भी शख्स आए वो अपने फैसले हो जाएगा ना, तो सर ये सियासत हमारे सियासतदानों को जेब देती है ये चीज़ें। जब आदत हो किसी की, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी है नवाज शरीफ, इनसे पहले थे ना तो हमेशा उनके साथ भी ये था, उसमें उन्होंने हटाने की कोशिश की तो उनका तख्ता पलट दिया गया। ये कश्मकश है। अब मसला ये है कि अब ये चाहते हैं कि कहीं अभी इनके ये तो चीज़ निकल जाएगी ना, ये इनके एक नुक्ता निकल जाएगा, इनकी तलवार जो है वो काम नहीं करेगी कि भाई आर्मी चीफ, अरे भाई कल तक तुम आर्मी जो तुम इतराफ़ करते रहे हो कि हम इस्टेब्लिशमेंट के हमारे साथ रहें, ये हमसे ये न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल क्या होता है भाई, न्यूट्रल आपके साथ हो तो वो न्यूट्रल जो है ठीक थे, अगर आप इधर उधर रहे तो फिर भी न्यूट्रल। न्यूट्रल की बात ये, आप उनको छोड़ें, पहली दफ़ा ये खुशखबरी मिली है कि इनका किरदार इतना ऐसा नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कोई खुफिया किरदार है तो आप क्या करेंगे, वो तो आपके लिए भी हो सकता है, आपको भी एक्सटेंशन दे सकते हैं, आपको भी कह सकते हैं कि हम आगे देखते हैं, इलेक्शन होता है आप जितने की पोजीशन में, ये जिसने तो किस कोई भी लगा सकता है, लेकिन इससे निकलना चाहिए, ये देखना चाहिए कि फौज का को अगर स्प्लिट आती है। जाकिर साहब, जो जो इस वक्त पाकिस्तान में चैलेंज दरपेश हैं, हमारी फौज इंटरनल काफ़ी सारे मामलात पे फोकस्ड है, इतने सारे मामलात हैं, मुश्किलात हैं, फिर सी पैक का मंसूबा है, बलूचिस्तान की सूरत हाल है, फिर सैलाबी सूरत हाल है, फिर जो एक्सटर्नल प्रेशर्स आ रहे हैं, जो हमारे जो जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ जो मामलात हैं, सर हमारी फौज को इस तरह के मामलात में घसीटना ये कितना ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेगा सर? पहले कोशिश की जाती है, जिसका जो ना डिवाइड है ना, डिवीजन कर फौज में डिवीजन चल, एक जो है ना जनरल फैज थे, उनको जो है ISI के थे, उन पर उन्होंने कहा कि ये ज़बरदस्त होगा, अभी ज़बरदस्त होगा, एक डिसिप्लिन है उनको। मेरे ख्याल से ये दोनों ही बातें नहीं कहनी चाहिए, कोई ज़बरदस्त होगा या कोई ज़बरदस्त नहीं होगा, दोनों बातें नहीं कहनी चाहिए। क्यों होगा भाई, काम करने दो ना, आप कहते हो ना इदारे हैं, काम अपने करते रहे, अगर वो काम करने का मौका ढूंढ रहे हैं। और इंस्टीट्यूशंस का तो मैार होता है जहांगीर साहब, कि अगर एक प्रोसेस फॉलो करते हुए जो शख्स आता है, जो कि हमारी आर्मी में बड़ा क्लियर नजर भी आता है। आप तो सियासत में डिवाइड इनटू डिवाइड इनटू डिवाइड अंडर ट्राइंग डिवाइड, अब कम से कम उसको काम तो करने दो, फौज में तो स्प्लिट भी नहीं पैदा करो, डिवीजन नहीं पैदा करो, खुदा के लिए नहीं करो, ये इतना अहम नहीं है, इसलिए कि फौज के बड़े चैलेंजेस हैं। और जाकिर साहब, अगेन एडिंग टू दिस, जैसे ही ये इम्कानात भी हैं कि नए आर्मी चीफ अपना ओहदा संभालेंगे, तो कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान में इलेक्शंस का एक माहौल होगा, वो भी देखने में आएगा, फिर उसमें हम देखेंगे जलसे, तकारीर, काफ़ी सारी बातें कही जाएंगी, उसमें फिर आर्मी को हमारे यहाँ दीगर नामों से हम उसको इन्वॉल्व करते हैं, फिर नताइज अगर किसी के हक में ना आए, किसी के बरखिलाफ आ जाएं, तो फिर आपको लगता है कि एक और ऐसा ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, कोई इसका कोई वाज़े हल नजर आता है? देखिए, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कैसा आर्मी चीफ लाया जाएगा जो पॉलिटिसाइज ना हो, पहले से उसका कोई अमल दखल ना हो। पॉलिटिसाइज कोई भी आर्मी चीफ नहीं होता, हम खुद कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है, हमारे सियासतदानों की इन्हीं की तरफ से बोल रहा हूँ कि इस तरह की ऐसी ऐसा आर्मी चीफ आने का है, अभी आपने उसको डिस्प्यूटेड बना दिया। दूसरी बात ये कि आप देखें, आप कहते हैं वो सादा होगा और वो चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सके, ये एक बहुत बड़ी हिट है कि आप इदारे को बोलें कि उसका जो वो काम नहीं कर सकेगा उसका हेड। तीसरी बात ये
कि आपको इससे अगर स्प्लिट आता है, आपको फेवर नहीं मिलता है, आप ये देखेंगे वो ठीक से काम इदारा कर रहा है ना, कौमी मुफाद में कर रहा है ना, सैलाब में कर रहा है ना, जंग के हालत में कर रहा है ना, जंग कर रहा है, उसको अगर वो दावा ही करता है कि मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ, तो उसको और स्पेस दोनों तरफ से देनी चाहिए। आप जो है ये इधर खींचते हैं, समझे ना सर, दोनों कहीं ना कहीं खींचते हैं, दोनों का मकसद होता है कि अपनी तरफ आ जाए। सर ये भी खींचते हैं और उसको ऐसा करें, उसको ऐसा करें, ताकि ये हमदर्दियां समेट लें। ये जो इत्तेहाद है वो कहते हैं नहीं यार वो हमें वो बुरे हैं वो, अरे भाई इससे निकलो और इदारों को इदारे रहने दो। अगर वो बन ये वो कहते हैं, उनका दावा ये है कि हम न्यूट्रल होकर काम कर रहे हैं और कर सकते हैं, तो उनका स्पेस देना चाहिए, उनको स्पेस देना चाहिए। और यकीन तौर पे ये स्पेस हमारे इंस्टीट्यूशंस का हक है, उनका जो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन रहा साल साल से, क्योंकि ये बात यकीनी है कि इनकी कुर्बानियाँ, उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं, उनको किसी भी तौर पर फरामोश नहीं किया जा सकता। और ना सिर्फ उन सोल्जर्स की जो कि बैटलफील्ड में जाके दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, बल्कि उनकी फैमिलीज को भी नहीं भूला जा सकता, जो कि हर वक्त ना जाने किस कैफियत में होते होंगे, क्योंकि जब उनका कोई अपना प्यारा, जब कोई उनका अपना बेटा, कोई किसी का शौहर, किसी का बाप, जब बैटलफील्ड में होता है तो कोई बात की खबर नहीं होती कि अगली खबर कौन सी आए, और हर लम्हा यकीन तौर पे एक मुश्किल, एक कशमकश का लम्हा होता है। तो हमें तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए अपने तमाम तर सोल्जर्स को, तमाम तर उन लोगों को जो कि पाकिस्तान के लिए फ्रंट लाइन पे जाके दुश्मनों का मुकाबला करते हैं और पाकिस्तान का दिफा यकीन बनाते हैं। कल 6 सितंबर का दिन है, 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है। डिफेंस के एतबार से पाकिस्तान ने 6 सितंबर में जो कारनामा अंजाम दिया वो दुनिया की बड़ी से बड़ी कौमें, बड़ी से बड़ी फौज ना कर सकी, जो कि पाकिस्तान ने सन 1965 में किया। याद रहे ये मुकाबला तब हुआ जब पाकिस्तान के कयाम को महज 18 बरस गुजरे थे और पाकिस्तान उस वक्त माशी एतबार से किसी भी तौर पर मुस्तहकम ना था। तब भी पाकिस्तान के पास माशी सूरत हाल इतनी बेहतर ना थी, और पाकिस्तान की आर्मी की बात करें तब भी वसाइल कम थे लेकिन जज्बा ज्यादा था। यही जज्बा है जो आज भी नजर आता है, यही पैशन है पाकिस्तान आर्मी के हर एक सोल्जर का, हर एक जवान का, जो आज भी नजर आता है। और हम अपने तमाम तर आर्मी ऑफिसर्स को अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से सल्यूट पेश करते हैं, और इस बात की और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान का हर एक हिस्सा महफूज रहे, पाकिस्तान का हर एक सिपाही महफूज रहे, हर एक फर्द महफूज रहे, और पाकिस्तान में जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है वो अब काबू में आती हुई नजर आए, और सूरत हाल जैसे ही काबू में आए तो उनकी रिहेबिलिटेशन काम भी जल्द हो सके, ये दुआ है हमारी। और जहांगीर साहब आज आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अपना ख्याल रखेंगे, अपना अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के अतराफ के लोगों का ख्याल रखें, और सैलाब जदगान के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं, जिस भी कैपेसिटी में कर सकते हैं, बिल्कुल करें, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है, उनका हक है कि आपसे इस बात की तवक्कुल रखें, और आपका फ़र्ज़ है कि आप उनका हक अदा करें। आज के लिए अपने मेज़बान मुनीर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।